और क्या भैया? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। बेटा, इंडक्शन की वजह से थोड़ा सा लेट हो गई क्लास। आई थिंक इट्स अ लास्ट थिंग। आज के बाद से इंडक्शन का प्रोग्राम खत्म हो गया है, तो अब क्लासेस अपने टाइम से ही रहेंगी, तो डिले के लिए सॉरी। तो हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे थे, एक प्रोग्राम देख रहे थे, तो हम लोग किस प्रोग्राम पे थे, कोई बता सकता है मुझे? सर, हमने सर्कुलर क्यू पूरा कर लिया था सर्कुलर प्रोग्राम। क्यू। अब प्रोग्राम पूरा हो गया था ना, किसी को समझ में नहीं आया हो? किसी को समझ में ना आया हो बेटा सर्कुलर क्यू? तो अगर कोई नहीं बोल रहा है, इसका मतलब मैं मौन स्वीकृति समझूं कि ये मौन ये समझूं कि भाई आप लोगों को सब किसी को समझ में नहीं आया? समझ में आ गया। क्योंकि भाई शांत होने का मतलब ये है, या तो भाई बाउंसर चला गया या समझ में आ गया थोड़ा बहुत। आई होप आप लोगों ने बता दिया होगा कितने लोगों को सी में प्रॉब्लम हो रही है। एक पोल ग्रुप में डाला गया था, तो हम आगे चलते हैं भाई। तो हम लोगों ने सर्कुलर क्यू पूरी कंप्लीट कर ली थी, डिस्प्ले डिस्प्ले कर लिया था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी? नो सर। तो अब जो अगली चीज आती है वो आती है डी क्यू। डी क्यू आपका डेक क्यू या डी क्यू के नाम से प्रोनाउंस होता है, और ये लिस्ट है जिसमें आपके एलिमेंट और इंसर्ट और डिलीट आपके दोनों एंड पे हो सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज हेड टेल लिंक्ड लिस्ट। क्यों होता है हेड टेल? क्योंकि दोनों तरफ से आप वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। अगर आपसे कोई सवाल पूछे व्हाट इज द अनदर नेम दैट कैन बी गिवन टू डी क्यू, हेड टेल लिंक लिस्ट, हेडर लिंक लिस्ट, तो आप उसमें ऑप्शन सही तरीके से बता देंगे, हमें लगता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
क्योंकि इसी तरह यस सर, सवाल आपके पूछे जाएंगे जब तक आपका एमसीक्यू हो रहा है। क्लियर है ना बेटा? यस सर। तो डी क्यू में हम क्या फायदा होता है भाई, ऐसे क्यू में हम डिलीशन स्टार्ट से करते हैं और इंसर्शन एंड में करते हैं। डी क्यू में हम इंसर्शन और डिलीशन दो कर सकते हैं, ये बोथ एंडेड कहा जाता है, ओपन एंड। आप इस तरफ भी कर सकते हैं, आप उस तरफ भी कर सकते हैं, ठीक है? यस सर। एवर नो एलिमेंट कैन बी एडेड और डिलीटेड फ्रॉम द मिडिल। जैसे कि क्यू में था, क्यू में भी हम बीच से कोई काम नहीं कर सकते थे, हमें उनको आइदर एंड पे होना जरूरी था, लेकिन वहां एडिशन और डिलीशन क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है। यहां पर क्या है कि यहां पर रिस्ट्रिक्शन तो है पर मिडिल का रिस्ट्रिक्शन है। इन द कंप्यूटर्स मेमोरी अ डीक्यू इज इंप्लीमेंटिंग आइदर ए सर्कुलर एरे और सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। में अगर इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो या तो आप सर्कुलर एरे का यूज करेंगे या सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट का बात करेंगे। सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात नहीं हो रही है, सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट की बात हो रही है, जिसमें ट्रू और फ्रो दोनों मोशंस हमारे हो सकते हैं, आगे भी जा सकता है पीछे जा सकता है। इन ए डी क्यू टू पॉइंटर्स आर मेंटेन्ड दैट आर लेफ्ट एंड राइट विच पॉइंट टू आइदर एंड ऑफ द डी क्यू। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, दोनों एंडो को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आइदर एंडो को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आपके डी क्यू। द एलिमेंट इन डी क्यू एक्सटेंड फ्रॉम लेफ्ट एंड टू द राइट एंड, हेंस सिंस इट इज अ सर्कुलर डी क्यू एन माइनस वन इज फॉलोड बाई डी क्यू जीरो। जब आप एंड पे पहुंचेंगे तो अगला एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, डी क्यू जीरो हो जाएगा। क्लियर? आप जाओ ना, क्या कर रहे हो? कहाँ जाना है भाई हर्ष? हर्ष कहाँ जाना है बेटा मेरे को? हाँ आप लोग आपस में बात क्या करिए तो म्यूट करके बात करिए, नहीं तो मुझे कहीं भेज दोगे तुम लोग। क्लियर है ये मेरी बात कि डी क्यू जो एन माइनस वन है उसके बाद क्या आएगा, डी क्यू जीरो आएगा। क्लियर है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर, क्लियर है भाई। एन माइनस वन क्या हुआ, लास्ट हुआ, और लास्ट के बाद वो किसको करेगा, सबसे पहले वाले को करेगा। देर आर टू वेरियंट ऑफ डबल एंडेड क्यू एंड दे इंक्लूड। अब इसमें भी आप दो काम कर सकते हो, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हो डी क्यू और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हो। अब इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू में क्या होता है, इन दिस डी क्यू इंसर्शन कैन बी डन ओनली एट वन ऑफ द एंड while deletion can be done from both, क्योंकि input restricted है, मतलब जो value आ रही है वो restricted है, value आएगी एक ही end से, deletion आप दोनों end से कर सकते हो। clear है? तो what is the name to the DQ where insertion can be done from the one end and deletion can be done from both end? Input restricted. The input restricted DQ. DQ. Clear है? मैं ये सवाल yes, बीच में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इसी तरीके से आपके सवाल क्वेश्चन में आएंगे, मतलब पेपर में आएंगे। And similarly in the when the deletion can be done only from one end
एंड व्हाइल इंसर्शन कैन बी डन ऑन बोथ एंड दैट इट इज आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड. तो एक हो गया इनपुट रिस्ट्रिक्टेड, एक हो गया आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड. कोई प्रॉब्लम इन दोनों में? नो सर. तो आगे बढ़ता हूं. इसके बाद आती है प्रायोरिटी क्यू. प्रायोरिटी क्यू में हमेशा एक चीज आपके साथ क्यू में अटैच हो जाती है, डेट इज कॉल्ड प्रायोरिटी. ठीक है ना भाई? जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और कोई पीछे वाला आपसे पास मांगे, तो आप पास कब देंगे? जब आपके पास स्पेस होगा, जब आपके पास पास देने की जो है जगह होगी. लेकिन कुछ चीजों को पास आपको प्रायोरिटी वाइज देना पड़ता है, जैसे कि एम्बुलेंस आ रही है या पुलिस वैन आ रही है या कोई वीआईपी आ रहा है, तो आपको प्रायोरिटी देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती? उसी तरीके से क्यू में वैसे तो प्रोसेसिंग होती है एफसीएफएस से, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. लेकिन जब कभी इसके साथ हम एक और वर्ड यूज कर लेते हैं या एक और एलिमेंट यूज कर लेते हैं, डेट इज कॉल्ड प्रायोरिटी, तो हम प्रायोरिटाइज वे में वर्कआउट करते हैं. क्लियर है? अब प्रायोरिटी क्यू इज अ डेटा विच ईच एलिमेंट इज असाइंड ए प्रायोरिटी. तो प्रायोरिटी का मतलब क्या हो गया? प्राथमिकता. आप प्राथमिकता किस हिसाब से देंगे? क्लियर है बेटा? यस सर. कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर. द प्रायोरिटी ऑफ द एलिमेंट विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच एलिमेंट विल बी प्रोसेस. एलिमेंट किस तरीके से प्रोसेस होगा ये प्रायोरिटी बताएगी. द जनरल रूल ऑफ प्रोसेसिंग द एलिमेंट ऑफ प्रायोरिटी क्यू आर, an element with higher priority is processed before an element with a lower priority. इसका basically use कहाँ होता है, कोई बता सकता है? अंबर बता सकते हैं बेटा इसका use कहाँ होता है? Priority queue का. हाँ, priority queue का. सॉर्टिंग होता होगा सर. प्रायोरिटी क्यू का बेसिकली यूज होता है, जैसे आप जब कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस एक आपके होते हैं, एक इंटरनल डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती है और एक प्रोसेसर कम्युनिकेट करता है. मान लीजिए आपने किसी चीज की रिक्वेस्ट की और उसी समय आपके एक डिवाइस ने दूसरे डिवाइस की रिक्वेस्ट की और प्रोसेसर ने रिक्वेस्ट की, तो सबसे पहले किसकी रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी? हमारी. जी नहीं, प्रोसेसर की, क्योंकि आपका जो कॉल होगा वो यूजर कॉल होगा, दैट कैन बी वेटेड. वेयर एज सिस्टम कॉल, जब प्रोसेसर कॉल कर रहा है तो इसका मतलब उस प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई. क्लियर है मेरी बात? जो सर जो रजिस्टर सिस्टम होता है वो भी रिलेटेड है क्या इससे? अब वो डिपेंड करता है कि आपका ये सिस्टम कहाँ पर यूज हो रहा है. अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ये ओएस में यूज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में. कि मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने रिक्वेस्ट दिया किसी रिसोर्स के लिए, हमने भी उसी रिसोर्स के लिए दिया, किसी डिवाइस ने इनपुट आउटपुट डिवाइस ने भी उसके लिए रिसोर्स के लिए दिया और सिस्टम ने दिया, तो सबसे पहले किसकी रिक्वेस्ट फुलफिल की जाएगी? सिस्टम की बात मैं यहां जो कर रहा हूं वो कर रहा हूं किसकी? प्रोसेसर की. तो सबसे पहले जो चीज प्रोसेस होगी वो प्रोसेसर की होगी. क्लियर है मेरी बात? जी सर. आपकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? आपकी प्रायोरिटी सबसे लास्ट हो जाएगी. हाँ, आपका ने रिक्वेस्ट कर रखी है किसी रिसोर्स के लिए और वो रिसोर्स आपको मिल नहीं पा रहा है
और आपकी रिक्वेस्ट काफी समय से पेंडिंग पड़ी हुई है, तो ड्यू टू डिले इन रिक्वेस्ट आपकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? हायर हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? जी सर। मान लीजिए किसी बच्चे ने मुझसे कोई सवाल पूछा, किसी और ने सवाल पूछा, तो नॉर्मली मैं क्या करूंगा? FCFS करूंगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करूंगा। लेकिन मान लीजिए मुझे ये पता लगा कि भाई इस बच्चे की कनेक्टिविटी 10-15 मिनट बाद खत्म हो जाएगी, या मान लीजिए उसकी कोई प्रायोरिटी थी, तो प्रायोरिटी होने की वजह से पहले मैं उसको आंसर कर दूंगा। और जब उसको आंसर कर दूंगा और आप बहुत देर से वेट किए कर रहे होगे, तो फिर आपकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? उससे ज्यादा हायर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जी सर। तो दैट डिपेंड्स कि हम लोग कहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे कोई किसी बीमार को आप देखते हो तो अपनी सीट उसको ऑफर कर देते हो कि नहीं कर देते हो? ये जो एडवांस वाईफाई सिस्टम है तो सर ये भी इसी पे बेस्ड है क्या? बेटा देखो, वाईफाई सिस्टम में FCFS चलता है। अगर आपने स्लॉट को कनेक्टिविटी आपके साथ हो गई, तो कनेक्टिविटी तब तक नहीं आपकी जाएगी जब तक स्नैचिंग नहीं होगी। सर यही लिए सर स्मार्ट सिस्टम वाला बोल रहे हैं, मतलब जैसे कोई बेटर बैंडविड्थ प्रोवाइड कर रहा हो। देखो उसमें तो ये होता है कि जब आपका मोबाइल फोन या कहीं भी कनेक्टिविटी आती है तो वो आपसे पूछता है हमेशा, और नॉर्मल बाय डिफॉल्ट है एडवांस वाईफाई में नहीं पूछता है, उसमें ऑटोमेटिक जिसका सिग्नल अच्छा होता है ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है बाय डिफॉल्ट। तो जहां पर हायर स्ट्रेंथ मिलेगी वो आपको कनेक्ट कर देगा, जिसकी स्ट्रेंथ हायर होगी उसको कनेक्ट कर देगा। वो प्रायोरिटी नहीं है, वो ये है कि बेटर मेरे को कहां से मिल रहा है, कनेक्टिविटी मेरे पास कहां से आ रही है। अब जैसे आपका मोबाइल का ही है, मोबाइल का कौन सा टावर पकड़ेगा? जहां से वीक सिग्नल मिल रहा है उसको पकड़ेगा, या जहां से स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है वहां उसको पकड़ेगा? तो उसमें बाय डिफॉल्ट ये होता है कि जहां से स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है वहां पर आप स्विच हो जाओ। क्लियर है मेरी बात? बेटा ये बात क्लियर है? देखो इसका सीधा सा एग्जांपल है कि मान लीजिए एक मेरे पास ये टावर था और इस टावर की रेंज जो थी वो इतनी थी, ठीक है, और एक टावर मैंने यहां लगा रखा था, इसकी जो रेंज थी वो इतनी थी। तो जो ये आपका एरिया आ रहा है ये इस टावर से क्या है, काफी डिस्टेंस में, इसलिए सिग्नल क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। तो मोबाइल किस टावर को अपने आप कैच करने लगेगा? जिसकी रेंज शॉर्ट होगी, जो सबसे कम दूरी पे उसको लाई कर रहा होगा, जहां पर उसका सबसे ज्यादा सिग्नल उसको मिल रहे होंगे। क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो यहां पर हम डिसाइड कर रहे हैं कि बेनिफिशियलिटी हमको कहां से ज्यादा अच्छी मिल रही है। द टू एलिमेंट विद द सेम प्रायोरिटी आर प्रोसेस ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। भाई आप लोग भी देखो अपने सीनियर्स को प्रायोरिटी देते हो, भाई जाओ तुम आगे चले जाओ, देते हो कि नहीं देते हो? जी सर। तो यहां प्रायोरिटी का मतलब यह है कि एक एक्स्ट्रा फ्लैग लेके हम कैरी आउट कर रहे हैं, और वो एक्स्ट्रा फ्लैग हमारी प्रोसेसिंग में हम एक डिसाइसिव फैक्टर है कि प्रोसेसिंग पहले इसकी होगी या पहले दूसरे की होगी। क्लियर है मेरी बात?
यस सर. द प्रायोरिटी क्यू कैन बी थॉट एज ए मॉडिफाइड क्यू इन विच एलिमेंट हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्यू द वन विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज रिट्राइव्ड फर्स्ट. द प्रायोरिटी ऑफ द एलिमेंट कैन बी सेट बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर. यही मैं आपको समझा रहा था. Priority queues are widely used in operating system to execute the highest priority process first. The priority of the process may set based on the CPU time it required to get executed completely. Clear है मेरी बात? जो मैं बता रहा था वो समझ में आ रही है? यस सर, प्रायोरिटी की समझ में आ गई सर. अच्छा, अभी सबने जो है अपनी अटेंडेंस नहीं डाली है, क्या चक्कर है? जिसने नहीं डाली हो तत्काल तुरंत डाल दे. हाँ श्रेष्ठ, बताओ क्या बात है श्रेष्ठ? आपने हैंड रेस किया था, बताइए. सर वो अटेंडेंस के लिए चैट खोले थे, गलती से हो गया. क्योंकि ये क्लास मैं 4 मिनट बेटा और कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि इसके बाद मुझे आपका ह्यूमन वैल्यूज वाले जो इंडक्शन प्रोग्राम है उनकी सेशंस को एक्टिव करना है. तो प्रायोरिटी क्यों समझ में आ गई? यस सर. अब एप्लीकेशन क्यू का कहाँ है? एप्लीकेशन ऑफ क्यू आर वाइडली यूज्ड एज अ वेटिंग लिस्ट फॉर अ सिंगल शेयर्ड रिसोर्स लाइक प्रिंटर डिस्क सीपीयू. भाई प्रिंटर पे आपने एक जॉब दिया, जब तक वो जॉब खत्म नहीं हुआ तब तक दूसरा जॉब आएगा नहीं, तो वो कहाँ लगेगा? क्यू में ही लगेगा. क्यूज आर यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा सिंक्रोनसली. जैसे दो प्रोसेस हैं, पहले एक डेटा आया फिर दूसरा डेटा आया, तो पहले जो डेटा आया वो आगे जाएगा फिर दूसरा डेटा आगे जाएगा. जब आप MP3 या iPod पे कोई गाना सुनते हैं तो प्लेलिस्ट बनाते हैं, तो अगर आपने उसमें रैंडम नहीं लगा रखा है तो जो पहला गाना आपने चूज कर रखा है उसका दूसरा गाना बजेगा. यस सर, यही चीज तो होती है. यस सर. और अगर आपने ज्यूक बॉक्स में कोई सॉन्ग ऐड किया है एंड में, तो आपकी लिस्ट बजनी कहां से शुरू होती है? स्टार्ट से ही तो होती है. स्टार्ट से होगी. तो ये आपका क्यू के कुछ एप्लीकेशन है. क्यू का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं फॉर हैंडलिंग इंटरप्ट. इंटरप्ट क्या होता है? बीच में ही किसी जो है किसी ऑपरेशन को रोकने के लिए इंस्ट्रक्शन देना. व्हेन ए प्रोग्रामिंग ए रियल टाइम सिस्टम दैट कैन बी इंटरप्टेड फॉर एग्जांपल बाय ए माउस क्लिक, इट इज नेसेसरी टू प्रोसेस द इंटरप्ट इमीडिएटली. जैसे मान लीजिए आप राइट क्लिक करते हैं, आप काम कर रहे हैं और एकदम से राइट क्लिक करते हैं, तो आपका काम पहले होता है कि राइट क्लिक का एक्शन पहले होता है? सर राइट क्लिक का एक्शन. तो इसका मतलब इंटरप्ट आया ना बीच में कि आप जो काम कर रहे हो पहले उसको रोको, और जो मेरा काम है मतलब जो सिस्टम इंटरप्ट है मतलब जो सिस्टम की एक्टिविटी है उसको पहले प्रोसेस करो. यानी यहाँ पे प्रायोरिटी आ गई. क्लियर है? यस सर. क्लियर है बेटा बाकी सबको? कोई प्रॉब्लम? नो सर. If the interrupt have to handle in order to arrive, then FIFO queue is appropriate data structure. First in, first out. Clear है? Yes. तो अगले क्लास से यानी मंडे ऑनवर्ड वी विल स्टार्ट ट्री. पेड़ शुरू करेंगे क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन आपका एज ए प्रोग्राम नहीं है. अगर किसी को प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन चाहिए हुआ तो क्यू और डी क्यू का हम लोग बाद में डिस्कस
कर लेंगे। क्लियर है? वैसे आपके सिलेबस में नहीं, तो मंडे को आई होप सो आप मुझे लिस्ट भी दे देंगे जिनको सी में प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो मंडे से हम लोग ट्रीज में चलते हैं। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके सर। यस। मंडे को हॉलीडे। मंडे को हॉलीडे है? मंडे छुट्टी है। चलो ठीक है, मंडे को छुट्टी कर लेंगे, ट्यूसडे को कर लेंगे। ट्यूसडे को जो हम लोग की होती है, क्या कहते हैं, ट्यूट, उसको एज ए क्लास कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। आप छुट्टी एंजॉय करिए, हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा एंड गुरु नानक जयंती। आपको भी सर धन्यवाद, क्योंकि वैसे ही छुट्टियां चल रही है आजकल, तो हमको समझ ही भी नहीं आता कब जो है काम। ठीक है बेटा, तो ट्यूसडे को मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।